आज हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी वीवीए फंडामेंटल्स के बारे में, कोड कंसेप्ट के बारे में, कैसे कोड लिखेंगे, कोड क्या होता है वगैरह वगैरह, ताकि हमें कोड को समझने में आसानी हो। सबसे पहले जानते हैं कि वीवीए में हमारा कोड क्या होता है, हमारा लाइन ऑफ, उसको लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं, कि आपको क्या करना है उसको एक लाइन में आपको बताना होता है, हर एक स्टेप हर एक चीज को बोलना पड़ता है। अगर हम ऐसे बात करें कि आप एक्सेल के साथ कम्युनिकेट करने जा रहे हैं तो आपको एक सेंटेंस बनाना होगा। तो सिंपल समझिए कि अपने जो काम को है उसको आप कोड में ट्रांसलेट करेंगे, जैसे आप इंग्लिश सीखते थे तो हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करते थे, सेम उसी तरह। तो चलिए इसी चीज को हम जानते हैं। तो जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज में जाते थे तो मेनली हमारे पास चार मेन ऑब्जेक्ट होते थे, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज में आप जाते नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब होता था। उसी तरह से वीवीए में भी आपके मेनली चार ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और मेंबर कहलाते हैं, तो मेनली चार ऑब्जेक्ट है। पहला है आपका वर्क, वर्क बुक्स, दूसरा है आपका शीट्स, तीसरा है आपका रेंज नहीं और पहला आपका एप्लीकेशन है। चार मेन है, इसी से हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम साथ एप्लीकेशन को छोड़ते हैं, वर्कबुक, सीट और रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले जानते हैं कि आखिर हम शुरू से बेसिक एक्सेल सीखेंगे वीवी कोड के जरिए। सबसे पहले बात होती है हाउ कैन क्रिएट अ न्यू फाइल। तो हमें लास्ट क्लास में बताया था हमने कि हम वर्क बुक्स डॉट एड करेंगे तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब जो फाइल से क्रिएट की है उसको सेव करना है। तेरी ने आपको बताया था कि हमने लास्ट क्लास में कि हम लिखते हैं वर्क बुक्स और यहाँ पे अपने फाइल का नाम विद एक्सटेंशन, उसके बाद सेव एज और पाथ विद एक्सटेंशन, पाथ अपने हिसाब से और नेम पाथ डॉट नेम उसके बाद उसकी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में आपको एक्सलेस एक्स एक्सलेस एम जो करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये तो हो गया एक पर्टिकुलर फाइल को सेव करने की बात, एक पर्टिकुलर फाइल को सेव करने की बात हो गई, ठीक है। लेकिन अगर मुझे तो जो फाइल ऐड हुई है उसको सेव करना है, और जैसे हम यहां पे मान लीजिए हम लोग करते हैं, हमने न्यू पे गए या कंट्रोल एन कर दिया तो एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो गया। अब ये ब्लैंक वर्कबुक अभी बुक टू हुआ है, अगली बार बुक थ्री होगा, बुक फोर होगा, ये फिक्स नहीं होता है। तो हमारा जो एक कोड है, कोड अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करेगा ये लाइन, क्योंकि अगर हमने बुक वन कर दिया तो नेक्स्ट टाइम बुक टू हो जाएगा, बुक वन ही होगा, बुक फाइव भी हो सकता है, बुक हंड्रेड भी हो सकता है, और डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन अकॉर्डिंग। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब हम कोई फाइल को क्रिएट करते हैं तो मेरा वही फाइल एक्टिवेट होता है। तो वर्कबुक को दो नामों से जाना जाता है, वर्कबुक या फिर एक्टिव वर्कबुक, दोनों सेम है, बस सिचुएशन अलग है। वर्कबुक मतलब कि पर्टिकुलर वर्कबुक और वर्क एक्टिव वर्कबुक मतलब जो फाइल एक्टिवेट है वो। तो यहां पे हम जो फाइल क्रिएट हुआ है उसको लिख सकते हैं एक्टिव वर्क बुक्स डॉट सेव इट। तो बुक्स में माफ कीजिएगा, बुक होगा डॉट सेव इट। अब जैसे कि अनिल जी ने अभी बात किया कि उनके साथ एक प्रॉब्लम हुआ जब वो फाइल को सेव इट कर रहे थे, तो याद रखिए जब फाइल का पाथ लेने की बात हो तो पाथ को आप यहां से उठाए, समझे, पाथ को आप यहां से क्लिक करें, उस लोकेशन में जाए क्लिक करें, या फिर प्रॉब्लम हो रही है तो राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी से भी पाथ को उठा सकते हैं। तो ये पाथ को उठाया और यहां सेव एज पाथ, बस स्लैश दे के नाम दीजिए अपने फाइल का डॉट एक्सलेस एक्स, सेव हो गया। तो यहाँ पे तीन चीजें हुई है, जब भी हम कोड लिखते हैं हर एंगल से सोचते हैं, कोड जब भी लिखते हैं हम हर एंगल से सोचते हैं। तो हमने वर्कबुक को ऐड किया, वर्कबुक डॉट ऐड किया और उसको हम सेव करना है,
अगर मुझे फाइल नेम पता है तो इससे सेव करेंगे, अगर फाइल नेम नहीं पता है तो एक्टिव वर्कबुक इससे सेव करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि मुझे वर्कबुक ऐड करने के बाद सेव करनी है, मुझे एक नेम वाली फाइल चाहिए, तो हम इतना झमेला क्यों करेंगे? हम डायरेक्ट यहां पे लिख देंगे वर्क बुक्स डॉट सेव एज, एड डॉट सेव एज और अपना लोकेशन जैसे कि लास्ट क्लास के हमें दिया था। आपको एक फाइल आपको क्रिएट करनी है, आप प्रोग्राम यहां लिखेंगे, देखिए मैं करके दिखा देता हूं लाइव। मैं यहां पे हर अब मैं यहां पे कोड का एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर कोड को रन नहीं कर सकता क्योंकि कोड रन करने के लिए एक सिचुएशन चाहिए। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये देखिए रन, हरा नाम के दो माइक्रो, एक ही नाम के दो माइक्रो नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखिए जो फाइल हमारी ऐड हुई है वही ओपन है, एक फाइल इसने ऐड कर दिया नेम देके। तो अब यहां पे अगर मान लीजिए मुझे फाइल का काम है तो ओपन रखेंगे, फाइल का काम नहीं है तो यहां पे क्या कर देंगे, एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज। अब जब भी हम फाइल को जैसे मान लीजिए फाइल को क्लोज करते हैं तो हमसे पूछता है डू वांट टू सेव, सेव डॉन्ट सेव कैंसिल करते हैं, सेव पे क्लिक करना है तो आप वर्कबुक डॉट से यहां पे क्लोज में देंगे ट्रू, अदरवाइज देंगे फॉल्स, तो फाइल आपकी क्लोज हो जाएगी। लेकिन कोई पर्टिकुलर फाइल को क्लोज करना है तो यहां पे वर्क बुक्स और यहां पे देंगे उस बुक का नेम विद एक्सटेंशन, उसके बाद करेंगे डॉट क्लोज। अब यहां पे एक चीज समझ जाइए, एक चीज क्या समझिए कि आपके पास कोई किसी फाइल को अगर क्लोज करना है या ओपन करना है या सेव करना है तो दो चीजें लिख सकते हो, खाए तो आप एक्टिव वर्कबुक लिख सकते हो या फिर आप इस मेथड को अपना सकते हो। तो दोनों में सिचुएशन क्या होनी चाहिए, अगर आपको फाइल फिक्स है, आपको नाम पता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, नहीं पता है, लेकिन फाइल आपका एक्टिवेट है तो उस केस में आप इसको फॉलो कर सकते हैं। क्लियर है? तो डाउट है आप लोगों को? जसवाल जी, पुष्पेंद्र जी, कोई डाउट? नहीं नहीं सर, सुन रहे सर। ठीक है, तो हमने अभी हमने दो चीजें सीखी, तीन चीजें सीखी। पहली चीज सीखी किसी पर्टिकुलर फाइल को ऐड करना, किसी पर्टिकुलर फाइल को सेव एज करना या फिर एक्टिव फाइल को सेव एज करना या फिर सेव फाइल क्रिएट सेव सब एक साथ कर देना। तो तीन अलग अलग लाइनों की जगह पे हम एक लाइन कर सकते हैं। फिर किसी एक्टिव फाइल को क्लोज करना या किसी पर्टिकुलर फाइल को क्लोज करना। अब मान लीजिए मुझे कोई फाइल ओपन करनी है तो वहां लिखूंगा वर्क बुक्स डॉट ओपन। अब यहां पे हमें फाइल कहां से ओपन करनी है उसका पाथ आपको देना पड़ेगा। अगर उस फाइल में जैसे फाइल ओपन करते हैं, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं, उसको समझिए। जैसे कि अगर आपकी फाइल जब भी ओपन करते हैं तो कोई कोई फाइल जब ओपन करते हैं तो अपडेट लिंक मांगता है, सिचुएशन मांगता है जब आपकी फाइल दूसरे किसी फाइल के साथ, जब आपकी फाइल दूसरे किसी फाइल के साथ लिंक्ड हो और वो फाइल पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं हो तो आपसे अपडेट लिंक मांगता है। आपको अपडेट लिंक पे क्लिक करना है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। आपके फाइल में पासवर्ड लगा है, आपको पासवर्ड नहीं पता है, क्या उसको रीड ओनली में ओपन करना है? ट्रू अदरवाइज फॉल्स। कौन सा फॉर्मेट चाहिए, पासवर्ड क्या है, हमारे जो पासवर्ड डली हुई है तो पासवर्ड डाल दीजिए, रीलाइट पासवर्ड तो डाल दीजिए, ये चीज आप यहां पे दे सकते हैं। देखिए इसकी जरूरत हम लोग पासवर्ड की जरूरत कुछ पड़ती है लेकिन बाकी जो की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी की डिटेल हम आगे समझाएंगे क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है तो ये बाकी चीज आपको भी समझ में नहीं आएगी, तो पासवर्ड तक
तो किसी फाइल को ओपन हम करेंगे, जो फाइल ओपन होती है वही फाइल एक्टिवेट होती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ चाहिए अगर ओपन करने के बाद उस फाइल पे कुछ काम करना है, मान लीजिए उस फाइल पे मुझे एक सीट ऐड करना है, तो यही पे लिख देंगे कि सीट्स डॉट ऐड, या भी कुछ लिखना है तो रेंज ए ए वन, या कॉपी करना है आपको ए वन डॉट एंटायर कॉलन डॉट कॉपी, पूरा सीट को कॉपी कर लेगा जी, ये कर सकते क्योंकि जो फाइल ओपन हुई वही फाइल एक्टिवेट होगी, बाद में क्लोज करना है तो एक्टिव वर्कबुक डॉट क्लोज लिख दीजिए। तो फाइल ओपन करना सीख गए, फाइल क्लोज करना सीख गए। अब आती है दूसरी चीज, बात आती है एक फाइल से दूसरे फाइल पे जाने, जैसे कि आपने कोई फाइल ओपन, मान लीजिए कि मुझे एक कोड बनाना है, चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे करते हैं, प्रोग्राम ये करते हैं कि मेरे पास जैसे 21 के मान लीजिए किसी में मेरे पास तीन फाइल है, मान लीजिए ए नंबर वन फाइल, आप ए पे एक और फाइल बनाता हूं, इसी में कॉपी कर लूंगा, मैं डेटा दे देता हूं, फाइल है। अब मुझे तीनों फाइल का ओपन करना है और उसका डेटा जो है मुझे यहां सीट यहां पे डेटा वाले सीट पे रखना है, समझ गए? इसके लिए क्या कोड लिखेंगे? सबसे पहले तो मुझे उस लोकेट में जो यहाँ पे एक माइक्रो बनाता हूँ, पहले तो मुझे इस वन वाले फाइल को ओपन करना है, तो यहाँ पे करता हूँ मैं वर्क बुक्स डॉट ओपन, और कहाँ से ओपन करना है तो हमने पाथ दे दिया, कौन सा फाइल करना है तो वन डॉट एक्सएलएस एक्स वाली फाइल को ओपन करना है। जैसे फाइल ओपन होगी, जैसे मान लीजिए ए वाली फाइल हमारी ओपन हुई, ओपन होते ही वो एक्टिवेट होगी, अब मुझे यहां से इसको कॉपी करना है तो इसके लिए कंट्रोल ए होता है। अब मान लीजिए आपको पता ना हो कि भाई इसको मुझे पूरे को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग माइक्रो करके पता लगा सकते हो कि अगर मैं A1 पे क्लिक करूँ, कंट्रोल A करूँ, इसका क्या होगा? तो इसका आई थिंक नहीं, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग में आई थिंक नहीं आएगा, नहीं रिकॉर्डिंग में नहीं आया। तो उसके लिए होता है करेंट रीजन होता है, तो सब जो यहाँ पे हम लिखेंगे सीट में, कौन सा सीट है हमारा? सीट वन, पहली सीट है हमारा, तो सीट सीट वन डॉट सेलेक्ट, या फिर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि एक ही सीट है तो एक्टिवेट होगा, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि रेंज ए वन डॉट कॉपी, और लाइन चल रहा है, लाइन चल रहा है, क्लास नहीं है, लेकिन कॉपी सिर्फ ए वन होगा, मुझे तो पूरा चाहिए, तो यहां पे हम लिखेंगे करेंट रीजन, करेंट रीजन डॉट कॉपी, क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी हमने रिकॉर्डिंग किया तो मुझे इसका पता नहीं चला, मुझे इसका क्या बोलते हैं नेम की क्या है, क्या कोड होगा, क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट कंट्रोल ए कर दिए थे,
तो अगर रिकॉर्डिंग करने के बाद आप होम पे जाएंगे और यहां पे गो टू स्पेशल में आपका आता है करेंट रीजन और ओके करेंगे, देन कॉपी करेंगे, तो आप देखेंगे कोड में माइक्रो वाले कोड में, ये देखिए सिलेक्शन डॉट करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट सिलेक्शन कॉपी दिख रहा है ना सर। यही मेथड हमने यहां पर अप्लाया कि ए वन डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी, और मुझे कॉपी जब हो गई डेटा तो मुझे वापस हमारे इस वाले सीट पे आनी होगी ना, डेटा शीट पे, इस वाले फाइल पे, लेकिन मेरा फाइल सेव नहीं है, अनसेव फाइल है, तो मुझे यहां पे इक्वल टू सेव ब्राउज और यहां पे करना पड़ेगा डेटा, डेटा किसमें न्यू फोल्डर में, मैं कर देता हूं के नाम से ही सेव हो गया, तो यहां पे हमारा कोड होगा, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा, वर्क बुक्स और उसके अंदर में उस पर्टिकुलर बुक का नेम, जैसे कि बुक वन डॉट एक्सएलएस एम, एक्सएलएस एम डॉट एक्टिवेट, ध्यान रखिएगा एक नया कोड कि किसी भी एक फाइल से दूसरे फाइल पे आपको जाना है तो आप लिखेंगे वर्क बुक्स, उसके अंदर में जिस फाइल पे जाना है उस फाइल का नेम डॉट एक्टिवेट, तो हमें एक्टिवेट कर दिए और हम कहाँ आ गए, आगे अपने सीट पे, तो कौन से सीट के, डेटा शीट पे, तो मुझे शीट्स डॉट डेटा पे जाना होगा, शीट्स डॉट डेटा डॉट सेलेक्ट, उसके बाद मुझे करना होगा रेंज ए वन डॉट पेस्ट, अगर सिंपल पेस्ट करना है तो पेस्ट, अगर पेस्ट स्पेशल करना है तो आपको करना होगा पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में मुझे चाहिए पेस्ट ऑल, तो यहां पर आपको पेस्ट ऑल सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये तो आपकी सिर्फ एक सीट को कॉपी किया, एक फाइल को, अब जिस फाइल को कॉपी किया है मुझे इसको क्लोज करना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा वर्क बुक्स, क्योंकि एक फाइल वन का तो हमारा डेटा कॉपी हो गया, अब मुझे फाइल ओ टू ओपन करना है, तो मैं फाइल वन को क्लोज कर दूंगा ताकि कई सारे फाइल खुलने के बाद मेरा सिस्टम हैंग ना हो, वन डॉट एक्सएलएस एक्स डॉट, अब मुझे हमने वन डॉट एक्सएलएस एक्स से जो डेटा कॉपी किया है सिर्फ, हमने कुछ इसमें चेंजिंग नहीं किए, तो यहां पे सेव करने की जरूरत नहीं है, मुझे फॉल्स करना है, ट्रू करूंगा तो सेव कर देगा, हमने यहां पे फॉल्स कर दिया, तो हमने एक फाइल को ओपन किया, उसके डेटा को कॉपी किया और अपने डेटा शीट में पेस्ट कर दिया, अब मैं दूसरे फाइल को करना चाहता हूं तो हम इसी कोड को रिपीट करेंगे, अब यहां पे मेरा दूसरा फाइल हो जाएगा, अब यहां जहां मैं रेंज ए वन डॉट पेस्ट स्पेशल कर दिया है एक गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर उसी डेटा को रिपीट कर देगा ना, मुझे उसके तो नीचे पेस्ट करना है, मतलब कि मुझे एक डेटा यहां पेस्ट हो गया है तो अगली डेटा इसके नीचे करना है पेस्ट, तो नीचे कैसे करेंगे पेस्ट, तो मैनुअल आप नीचे कैसे जाएंगे, आप ए वन पे कर्सर रखेंगे कंट्रोल के साथ नीचे आ जाएंगे, तो इसके नीचे आ जाएंगे, फिर एक कॉलम ऐसे आ जाएंगे, तो अगर आप वीवीए के थ्रू चलेंगे तो वीवीए में हमारे पास होता है रेंज ए वन से स्टार्ट है ए वन डॉट, यहां पे हमने एंड कर दिया एंड एक्सलेस डाउन डॉट, अब यहां पे क्या हुआ कि एक्सलेस डाउन कर दिया तो ये तो यहीं पे आ गया ना, लास्ट डेटा पे आ गया, तो मैं यहां पे पेस्ट करूंगा तो मेरा एक रिकॉर्ड तो रिप्लेस हो जाएगा ना, मुझे इसके नीचे आना है, यहां पे आना है,
तो कर्सर को मूव करने के लिए एक बहुत अच्छा चीज है, याद कीजिएगा, वो है ऑफसेट। ऑफसेट 1.0 डॉट पेस्ट स्पेशल, मतलब कि जहां पहुंचेगा उसके बाद एक एक सेल नीचे आपका ए ला देगा, तो एक सेल नीचे ला दिया। ओके, तो ए हमारा हो गया। अब फिर मैं सर, यहां पे बोलिए क्या बोल रहे हैं, ये ऑफसेट में 1.0 है, 1 मतलब रो कॉलम जीरो, ओके रो एंड कॉलम होता है, तो रो तो मुझे ले एक नीचे करना है, कॉलम तो सेम रखना है ना, क्या और ये भी हमारा। सर एक, सर एक डाउट मुझे भी है, हाँ हम लोग जब ये शीट को क्लोज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिर्फ नाम देंगे या उसकी पूरी एक्सटेंशन देंगे? हाँ, सीट को हमने एक्सटेंशन दे रहा है ना यहाँ पे, इसी नहीं नहीं मतलब उसकी लोकेशन, लोकेशन पार्ट, लोकेशन नहीं क्योंकि वो फाइल ओपन है ना, लोकेशन तो बंद फाइल की ओपन करने के लिए, जैसे ओपन कर रहे हैं तो लोकेशन देना होगा। हाँ, फाइल ओपन है तो मतलब कि हमारे लाइब्रेरी में यहाँ पर है। ओके, और सेम नाम की दो फाइल तो ओपन हो नहीं सकती, तो कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें। ओके ठीक है, अब चलिए इस माइक्रो को एक बार ट्रिगर करते हैं। माइक्रो में RR1 एंड रन, ओके हो गए। अब यहां पे हेडिंग में आ रहा है, तो हम वहां से हेडिंग को आगे चल के जब बताऊंगा तो हेडिंग कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे और भी इसके तरीके हैं हम बताएंगे। तो इसमें सीखा, इसमें अभी आपने यूज किया कि फाइल को ओपन कैसे किया जाए, पूरी की पूरी डेटा को कॉपी कैसे किया जाए, सिलेक्ट करके कॉपी कैसे किया जाए, यहाँ पे डॉट सिलेक्ट कर दोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, कॉपी कर देते कॉपी हो जाएगा, एक फाइल से दूसरी फाइल में एक्टिवेट कैसे करेंगे, किसी और डेटा को पेस्ट कैसे करेंगे। तो अभी आपने देखा कि इतने लंबे कोड, अगर 10 फाइल होगा 10 कोड लिखना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के इसको और हम डायनेमिक कर देंगे कि एक सिंपल क्लिक पे क्या होगा, इस पूरे फोल्डर की फाइल हम ओपन करेंगे। देखिए फिलहाल वो सब चीज सीखने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो हम लूप जब सीखेंगे तो उसको हम आपको बताएंगे। ओके, अब बात करते हैं कि फाइल पे वर्कबुक पे और क्या क्या किया जा सकता है। तो वर्कबुक पर और किया जा सकता है, हम फाइल, हमने वर्कबुक को क्लोज करना, ओपन करना, सेव, सेव एज, एक्टिवेट सीख लिया। हाँ, प्रोटेक्ट करना, पासवर्ड डालना। तो यहां पे हम लिखेंगे कि वर्क बुक्स या फिर एक्टिव वर्कबुक ले सकते हैं, वर्क बुक डॉट प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट में फिर यहां पे आपको पासवर्ड डालना है। तो कौन सी प्रोटेक्शन कर रहा है, ये आपके जो फाइल मेनू बार के अंदर रिव्यू के अंदर जो ये प्रोटेक्ट वर्क होता है वो प्रोटेक्ट करता है, जिसको प्रोटेक्ट करने के बाद किसी भी तरह का शीट को इंसर्ट, डिलीट, मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे ओपनिंग पासवर्ड चाहिए, तो फाइल के अंदर आपका इन्फो के अंदर ये आपका इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट होता है, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इस पे आप ओपनिंग पासवर्ड डाल सकते हैं। तो कैसे डालेंगे, यहां पे हम डालेंगे एक्टिव वर्कबुक डॉट पास। मैं फिलहाल बता देता हूं कि हम यहां पे एक्टिव वर्कबुक या फिर बुक का नेम दोनों एंट्री कर सकते हो, वो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंट्री कीजिएगा। फाइल का नाम पता है तो फाइल का नाम डालिए, फाइल का नाम नहीं पता, एक्टिवेट है तो एक्टिव वर्कबुक डालिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये समझ में आएगा आपको सर? हाँ सर, आया पूरा बिल्कुल आया। यहाँ पे चीज देखिए कि हम यहाँ बाकी अभी तक जितने भी कोड लगाए हैं उसमें कहीं भी इक्वल का साइन नहीं दिए, पर पासवर्ड में भी इक्वल के साइन दे रहे हैं, क्यों? तो पहले कल वाली क्लास को फिर से याद कीजिए, कल वाली क्लास को हमने बताया था कि एक होता है वर्कबुक और दूसरा होता है आपका मेंबर, एक होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है मेंबर। तो मेंबर जो होता है वो मेंबर आपका होता है दो तरह का, एक मेथड, दूसरा प्रॉपर्टी। सेम ये सब मेथड है, तो मेथड में स्पेस लग के उसके मेंबर्स की
इंफॉर्मेशन दी जाती है, बट जो प्रॉपर्टी होती है उसमें इक्वल दी जाती है। तेजी को समझिए, मेथड में स्पेस होता है और प्रॉपर्टी में इक्वल होता है। अब दूसरा सवाल उठता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेथड या पासवर्ड है। उसको दो तरीके हैं। पहला कि जैसे स्पेस मारोगे नीचे एक्सप्रेशन आ गया, इट मींस ये मेथड है, ठीक है। दूसरा, स्पेस मारने पे कुछ नहीं आया, मतलब कि प्रॉपर्टी है। या एक और फुल प्रूफ है कि अगर आपने प्रोडक्ट लिखता हूं तो ये जिसपे ग्रीन कलर के बॉक्स आ रहे हैं वो आपके क्या है, वो आपके मेथड है, और जिसपे हैंड का निशान बना हुआ आ रहा है वो आपके प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो प्रॉपर्टी जो होते हैं दो तरह का होता है, एक इंफॉर्मेशन लेते हैं, दूसरा इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे कि पासवर्ड आपको इंफॉर्मेशन ले रहा है, और एक काम जैसे यहां पे देखिए, आपने यहां पे क्या किया हुआ है, यहां पे हर जगह पे आपने वर्कबुक डॉट एक्टिवेट किया हुआ है ना। आप यहां पे ये कर सकते थे, जैसे एक दे दिया कि फाइल नेम इक्वल एक्टिव वर्कबुक डॉट नेम, तो इस फाइल का जो नेम है, इस फाइल का नेम fn के ऊपर स्टोर हो गया, और जहां जहां मुझे नाम देना है वहां पे हम fn दे देंगे। इस तरह की प्रॉपर्टी इन्होंने क्या, नेम क्या है, नेम प्रॉपर्टी है, लेकिन नेम की इंफॉर्मेशन इसने दिया है, लिया नहीं।